हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट पापड़। पापड़ बच्चे ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद होता है और बिना पापड़ के हर खाना अधूरा होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना पापड़। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्रिस्पी है और बनाने में बहुत ही आसान। तो ऐसे आसान से पापड़ बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप साबूदाना। साबूदाना लेकर इसमें मैंने पानी डाला है। पानी डालकर इसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। मैंने इसे दो बार वॉश कर लिया है। वॉश करके अब मैं इसमें उसी कप से एक कप पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के इसे हमें 4 से 5 घंटे या रात भर के लिए भीगने के लिए रखना है। अब मैं इसे ढक के रात भर के लिए रख दे रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख सकते हैं साबूदाना काफ़ी अच्छे से भीग गया है और फुल्की दुगना भी हो गया है और एकदम नरम भी है। अब साबूदाना परफेक्टली रेडी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। साइड में रख के अभी मैंने लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई लेकर इसमें मैं डाल रही हूँ 5 कप पानी। जिस कप से मैंने साबूदाना लिया था उसी कप से मैं एग्जैक्टली 5 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप कटोरी, कप, ग्लास कुछ भी ले सकते हैं, उसी से आप मेजर करके बराबर 5 ग्लास या 5 कप पानी ले सकते हैं। अब मैं इसको बॉईल होने रख दी हूँ। उसके बाद मैं साबूदाना को मिक्सी के जार में डाल के हल्का ग्राइंड कर रही हूँ। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बट हल्का ग्राइंड करने से जो साबूदाने का बैटर है पापड़ का वो थोड़ा सा थिक बनेगा और जल्दी पक जाएगा। अभी मैंने इसको दरदरा ग्राइंड कर लिया है और मैंने पानी नहीं डाला है, ऐसे ही जस्ट एक बार मैंने घुमा लिया है। अब पानी अच्छे से गर्म हो गया है, बॉईल हो रहा है। अब ग्राइंड किया हुआ साबूदाना मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो ठंडे पानी में भी साबूदाना मिक्स करके गैस के ऊपर रख के पका सकते हैं। अब साबूदाना डालने के बाद तुरंत इसको हमें मिक्स करना है क्योंकि पानी गर्म है और साबूदाना जम जाएगा, इसलिए इसको लगातार अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप पहली बार ये साबूदाना पापड़ बना रहे हो तो पहले ही ठंडे पानी में साबूदाना आप मिक्स कर लेना, उसके बाद गैस के ऊपर रखकर पकाना और गैस का फ्लेम मीडियम रखना। अभी मैं इसको लगातार चला रही हूँ। अगर हम लोग लगातार इसको नहीं मिक्स करेंगे तो इसमें गुठलियाँ भी बन जाएगी और साबूदाना नीचे कढ़ाई में लग जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है और ये काफ़ी अच्छे से पक भी रहा है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब इसे लगातार मैं मिक्स करते हुए पका रही हूँ और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। गाढ़ा भी होना है और जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। पापड़ कई तरीके से बनते हैं, साबूदाना से बनते हैं, गेहूँ से, सूजी से, मैदा से, पर सब पापड़ में ये पापड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाकी पापड़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बट इन पापड़ को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ना ही इसमें बेलने की झंझट होती है, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। बहुत कम समय में बनता है और बहुत अच्छे से बनता है। अब साबूदाने का बैटर ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। ऑफ़ करके इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख दूंगी। अभी हम तुरंत इसमें जीरा डालेंगे तो साबूदाने का जो पापड़ है उसका कलर थोड़ा येलो हो जाएगा, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ करके 5 मिनट बाद इसमें 1 स्पून जीरा और 1 स्पून सेंधा नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अगर गरम गरम में डालेंगे तो साबूदाने का कलर थोड़ा सा पीला हो जाएगा और पापड़ भी पीले हो जाएंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख रही हूँ। आप देख सकते 5 मिनट बाद थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा डाला है, उसके ऊपर मैंने डाला है पॉलीथीन प्लास्टिक डाला है। डालकर इसके ऊपर मैं बनाऊंगी पापड़। आप चाहो तो एल्यूमिनियम या स्टील के प्लेट में भी बना सकते हो, पर उसके पहले उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना, उसके बाद पापड़ बना लेना। अब हमारा बैटर परफेक्टली रेडी है, मैं इसके बना रही हूँ पापड़। मैंने 1 स्पून बैटर लिया है, डालकर इसको हल्के हाथों से इस तरीके से फैला रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका शेप एकदम परफेक्टली बन के रेडी है। आप चाहो तो चूड़ी का भी यूज़ कर सकते हो इसे गोल शेप देने के लिए, पर वो टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा झंझट का काम है, इसलिए बस आप 1 स्पून बैटर डालो, इस तरीके से फैलाओ, पापड़ ईजिली बन के रेडी हो जाएंगे। और ये पापड़ सूखने में 1 या 2 दिन का टाइम भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अब सारे पापड़ बन के रेडी है। अब देख सकते हैं 1 कप में काफ़ी ज़्यादा पापड़ बन के रेडी है। अब पूरे पापड़ सूख गए हैं, इसे सूखने में 2 दिन का टाइम लगा है। अभी मैं इन पापड़ों को आपको तल के दिखाऊंगी। ये पापड़ आप 1 साल तक के स्टोर कर भी रख सकते हो। अभी पापड़ तलने के लिए मैंने ऑयल गर्म कर दिया। ऑयल जैसे गर्म हो गया मैंने उसमें डाला है पापड़। आप देख सकते तेल में डालते साथ साबूदाने का पापड़ एकदम अच्छे से फूल भी गया और इसका कलर भी एकदम वाइट है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। अब आप भी ये साबूदाना पापड़ ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।